रफाल डील पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने आज देश भर में 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला। रफाल पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस के समय में रक्षा सौदों में घोटाले हुए। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि रफाल पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हारी और अब संसद में भी हारेगी। Fully equipped war machine. आपका भी कुछ और प्राइस है वॉर मशीन का। 500 हमारा कुछ है, उससे कंपेयर करो। आपका भी जो इक्विपमेंट के साथ, जो एवियोनिक्स के साथ, सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड अदर थिंग्स के साथ जो है, यू कंपेयर दैट विद माइन? नो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, जानबूझ करके गुमराह करने के लिए मेरा बेसिक एयरक्राफ्ट का प्राइसेस आपका इक्विपमेंट के साथ जो होगा उससे मैं कंपेयर करूंगा। व्यू इज नॉट रेलेवेंट टू द 3-4 क्वेश्चंस इन्वॉल्वड इन द सुप्रीम कोर्ट। दैट विल सेपरेटली फॉलो व्हाटएवर द सीएजी सेज। एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न्ड, इट्स ऑब्वियसली अ बैड, इट लाइड आफ्टर द वर्डिक्ट ऑन दैट लिटिल एम्बिग्युटी, इट इज लाइंग अगेन। द गवर्नमेंट नेवर मिसलेड द कोर्ट। There is some ambiguity which has come in, which will be corrected through a judicial process. Why should I bother myself with this? जब भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे थे, तब पेटिशनर वहां उपस्थित थे। अगर भारत सरकार ने कोई भी गलत तथ्य रखा होता, तो पेटिशनर तुरंत सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते। तो ये जो अब कांग्रेस पार्टी का नया पैतरा है, मेरा पूरा का पूरा आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से, और मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का ये झूठ भी बहुत जल्द परास्त होगा। कोई नहीं छुपाएगा, सारी चीजें दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, और जो चीज का वो कह रहे हैं वो टाइपिंग एरर है, वो हमारी सरकार की तरफ से कोई उसमें कोई हमने तथ्य नहीं छिपाए। स्पष्ट बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं मानेंगे तो फिर किसको मानेंगे भैया कांग्रेस?